नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। इन दिनों हर कोई मंदी की चर्चा कर रहा है, तो क्या वाकई मंदी आ चुकी है? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्थिक मंदी है क्या। अगर किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगातार 6 महीने तक गिरावट दर्ज की जाती है तो इसे इकोनॉमी में आर्थिक मंदी कहा जाता है। जब भी मंदी दस्तक देती है तो इस दौरान कंपनी कम पैसा कमा पाती है, वेतन में कटौती करती है, छटनी जैसे कदम भी उठाने पड़ जाते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसकी वजह से सरकार को सार्वजनिक सेवाओं पर इस्तेमाल करने के टैक्स के रूप में कम पैसा मिलता है। खबरों की माने तो ब्रिटेन में मंदी की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार इससे निपटने की कोशिशों में भी जुट चुकी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंदी पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है। ऋषि सुनक की सरकार ने 5,500 करोड़ पाउंड का फिस्कल प्लान पेश किया। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार का इमरजेंसी बजट पेश किया था, जिसमें टैक्स की दरों में काफी इजाफा किया गया है। दरअसल ब्रिटेन में महंगाई काबू में नहीं आ रही है, यही कारण है कि सरकार ने टैक्स की दरों में बेतहाशा इजाफा किया। इससे पहले पूर्व पीएम लिज़ ट्रस के मिनी बजट को भी झटका लग चुका है। बजट के साथ ही स्वतंत्र इकाई OBR की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। ब्रिटेन की वित्त मंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया एनर्जी और महंगाई के संकट से जूझ रही है और ऐसे में इस प्लान के साथ हम मंदी का सामना कर सकते हैं। ब्रिटेन में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में महंगाई दर ने 41 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अक्टूबर में महंगाई दर 11.1% तक पहुंच गया, जो कि साल 1981 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2025 से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अब देखना होगा कि महंगाई से निपटने में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।